चाय का खोखा चलाने वाले एक पिता के लिए उसकी बेटी की शादी का अवसर उस समय खास बन गया जब पुलिस थाना ही उसका परिवार बन गया। पूरा पुलिस थाना और आला अधिकारी उसके घर पहुंचे हैं तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झुंझुनू जिले के बोहाना पुलिस थाने के ठीक आगे चाय बनाकर अपना घर चलाने वाले एक पिता को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके घर पूरा बोहाना पुलिस थाना परिवार के सदस्य की तरह फर्ज निभाने के लिए पहुंचेगा। बता दें कि एक गरीब चाय वाला करतार सिंह, जिसके घर में 22 जनवरी को बेटी की शादी है, लेकिन शादी के लिए उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। करतार को बेटी की शादी को लेकर काफी चिंता थी। उसे चिंतित देखकर बोहाना पुलिस थाना परिवार द्वारा 51,000 की नकदी व कपड़े भेंट कर आर्थिक सहयोग कर मानवता की मिसाल पेश की गई है, जिसको देखते ही सभी लोग पुलिस की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बोहाना सरपंच दशरथ सिंह ने भी 21,000 रुपए का सहयोग किया। फिलहाल सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली बोहाना पुलिस के द्वारा किए गए इस नेक काम की लोगों ने जमकर तारीफ भी की है। CI चौथमल, ASI विजय भड़िया, हजारीलाल, HM सुरेंद्र भारद्वाज, हेड कांस्टेबल महेश कांस्टेबल रतन सिंह भारत सुदेश समेत अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। थाने के सामने कतार नाम का एक व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति है, जो अब उसके 22 तारीख को बच्ची की शादी है, उसके उपलक्ष्य में थाने के स्टाफ ने और भूतपूर्व स्टाफ ने 51,000 रुपये और कपड़ों का आर्थिक सहयोग किया है। थाने के सामने करतार सिंह जो एक गरीब परिवार से है, चाय बनाता है, 22 तारीख को बच्ची की शादी है, बहुत गरीब आदमी है। बच्ची की शादी के प्रति पुलिस स्टाफ थाना बोहाना और यहाँ का भूतपूर्व पुलिस स्टाफ था, उन्हें सब ने मिल के और आर्थिक सहयोग किया। आर्थिक सहयोग के रूप में नगद राशि, कपड़े वगैरह सब सामान दिया है। तो ये देखते हैं कि हम, ये बोहाना की बस्ती है, वो भी इसका सहयोग।